हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन फॉर बैंक एसएससी में आपका स्वागत है। अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको नेशनलाइज्ड बैंक्स के हेडक्वार्टर्स के बारे में बताया था और उनकी ट्रिक बताई थी याद रखने की। अब बैंकिंग अवेयरनेस के लिए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, इसके बारे में मैं आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताऊँगा, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कितने टाइप का होता है, कौन से टर्म का मार्केट होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय बाजार। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब होता है नीड ऑफ मनी। तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नीड ऑफ मनी, नीड ऑफ मनी। ठीक है, मार्केट, मार्केट मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्विसेज और वस्तु प्रोवाइड करवाते हैं किसी को, हम कोई हमें वस्तु प्रोवाइड करवाता है तो बदले में उसे सर्विसेज देनी पड़ती है, या हम सर्विसेज देते हैं उसके बदले में उसको कोई भी गुड प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तो सिंपली इसको मार्केट को बोल सकते हैं अपन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप का होता है? फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का होता है बेसिकली। कौन कौन से टाइप है वो? एक तो होता है लॉन्ग टर्म मार्केट, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट टर्म मार्केट। लॉन्ग टर्म मार्केट जो होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कैपिटल मार्केट। ठीक है, और शॉर्ट टर्म जो मार्केट होता है उसको बोलते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि हिंदी में इसको कैपिटल मार्केट को पूंजी बाजार और मनी मार्केट को मुद्रा बाजार, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कैपिटल मार्केट को पूंजी बाजार और मनी मार्केट को मुद्रा बाजार। शॉर्ट टर्म मार्केट जो होता है ये अप टू 12 मंथ के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मार्केट क्या होता है? अप टू 12 मंथ, ठीक है फ्रेंड्स, अप टू 12 मंथ। और लॉन्ग टर्म मार्केट जो होता है वो कितने टाइम के लिए होता है? अबोव 1 ईयर, ठीक है, या मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म मार्केट मोर देन 12 मंथ के लिए, और शॉर्ट टर्म मार्केट अप टू 12 मंथ के लिए। और जो पूरे 12 मंथ होते हैं यानी कि 1 ईयर, 1 ईयर किसके अंदर आता है? इसमें शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर अपन 1 ईयर को किस में लेते हैं? शॉर्ट टर्म मार्केट में। अब फ्रेंड्स, ये होता है पूंजी बाजार और ये होता है मुद्रा बाजार। इसके बाद है फ्रेंड्स कि लॉन्ग टर्म मार्केट और शॉर्ट टर्म मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। ठीक है, इनको रेगुलेट करने वाली दो अलग अलग संस्थाएं हैं। लॉन्ग टर्म मार्केट को रेगुलेट कौन करता है और शॉर्ट टर्म मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, ये अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म मार्केट कितने टर्म के लिए? मोर देन 12 मंथ्स। और शॉर्ट टर्म मार्केट कितने टर्म के लिए? अप टू 12 मंथ्स। और 1 ईयर किस में आता है? मनी मार्केट में, सॉरी शॉर्ट टर्म मार्केट में। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेंड्स, कैपिटल मार्केट जिसको हम लॉन्ग टर्म मार्केट भी बोल सकते हैं, इसका रेगुलेटर कौन है, कौन रेगुलेट करता है इसको? इसको रेगुलेट करता है सेबी, शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। इसका लॉन्ग फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विनिमय बोर्ड, ये इसका हिंदी वर्जन है। तो ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को, मतलब जो भी फंड आपके 12 मंथ से मोर देन 12 मंथ है उन सारे फंड की देखरेख कौन करता है, उसका सुपरविजन कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ
इंडिया सेबी। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था फ्रेंड्स? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। और इसने वर्किंग कब से स्टार्ट किया था? इसने वर्किंग स्टार्ट किया था 1992 में। ठीक है फ्रेंड्स, इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था, जबकि इसका वर्किंग कब स्टार्ट हुआ था? 1992। फिर इसका चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स? अभी करंट में इसका चेयरमैन है यूके सिन्हा, ये है उपेंद्र कुमार सिन्हा। उपेंद्र कुमार सिन्हा, इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई। कहाँ पे फ्रेंड्स हेडक्वार्टर? मुंबई। और फ्रेंड्स जिस एक्ट से ये पूरा कैपिटल मार्केट रेगुलेट होता है वो एक्ट कौन सा है? सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट 1992 ये वो एक्ट है जिस एक्ट से पूरा कैपिटल मार्केट रेगुलेट होता है। तो सेबी को एक तरह से क्या बोल सकते हैं? सेबी कंट्रोल्ड द ऑल कैपिटल मार्केट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मनी मार्केट। क्या था फ्रेंड्स? मनी मार्केट। सेकंड नेम क्या है इसका? शॉर्ट टर्म मार्केट। इसमें कौन कौन से फंड का रेगुलेशन होता है? इसमें अप टू 12 मंथ्स के, और पूरा जो 1 ईयर का फंड है वो पूरा इसके अंदर रेगुलेट होता है। तो मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका नेम तो आप जानते होंगे कि फेमस है वैसे भी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था फ्रेंड्स? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935, अप्रैल, 1 अप्रैल ऑफ 1935। ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई। और अभी गवर्नर कौन है? इसमें क्या होता है? चेयरमैन नहीं होता, नहीं सीईओ होता, इसमें होता है गवर्नर। इसका गवर्नर है उर्जित पटेल। इसमें फ्रेंड्स गवर्नर के अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, वो अपन डिटेल में आरबीआई टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इसमें टोटल 21 मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो सारे अपन आरबीआई में डिटेल में पढ़ेंगे आरबीआई टॉपिक के अंदर। तो शॉर्ट टर्म मार्केट, मनी मार्केट का कौन रेगुलेशन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग करता है रेगुलेशन? ये एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये पूरे मनी मार्केट का रेगुलेशन करता है। इसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी बाजार। तो ये पहले आपको बता दिया गया है कि कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट है? लॉन्ग टर्म मार्केट, जिसमें मोर देन 12 मंथ के सारे फंड का सुपरविज़न कैपिटल मार्केट में होता है। तो सबसे पहले बढ़ते अपन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब जो पूंजी बाजार के साधन क्या क्या हैं, किसके थ्रू अपन लेन देन कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, इसको अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है इसका, सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है शेयर्स। शेयर्स का हिंदी में क्या बोलते हैं? शेयर्स को अंश। ठीक है, अंश क्या होता है फ्रेंड्स? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। क्या होता है अंश फ्रेंड्स? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल की छोटी से छोटी, मतलब पूंजी की छोटी से छोटी इकाई, इसको बोलते हैं शेयर्स। ठीक है, शेयर होल्डर जो होते हैं फ्रेंड्स, जो शेयर को होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इसके ओनर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी के अंश जो होते हैं, जो उसके अंशधारी होते हैं, वो इसके ओनर्स होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स मतलब अंशधारक, जो इसके अंशधारक होते हैं किसी भी कंपनी के, वही उसके ओनर्स होते हैं। और जो प्रॉफिट होता है कंपनी का फ्रेंड्स, जो भी प्रॉफिट होता है, लाभ, जो भी कंपनी का लाभ होता है, वो इन शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइडेंड होता है। क्या होता है? इन शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइडेड होता है। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं,
ये एजीएम बुला सकते हैं, ठीक है। एजीएम का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग यानी होता है सामान्य वार्षिक बैठक, ठीक है। ये कौन बुला सकते हैं? शेयरधारक। और शेयरधारक हर एक साल में एक सामान्य वार्षिक बैठक करते हैं। ये शेयरधारक क्या होते हैं? जो जिनके पास ओनरशिप राइट होता है और जिनको लास्ट में प्रॉफिट में प्रॉफिट में अपना हिस्सा मिलता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। और ये क्या करते हैं? एजीएम बुलाते हैं। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अगर एजीएम के अंदर जो एजीएम बुलाते हैं शेयरधारक, अगर वो एजीएम के अंदर कोई भी एक अंशधारक अनुपस्थित रहता है तो उस मीटिंग का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। मतलब ये सारे अंशधारक वहाँ पे इस मीटिंग में उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि वो हर एक ओनर है, हर एक अंशधारक उस कंपनी का ओनर है, इसलिए वो वहाँ पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स बेसिकली तीन टाइप की कैपिटल होती है जो कंपनी लोगों से मांग सकती है। जो मतलब ये तीन टाइप की कैपिटल शेयर्स की फॉर्म में मांगती है, शेयर्स की फॉर्म में लेती है लोगों से। तो ये कैपिटल कौन कौन सी है तीन टाइप की? एक तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, एक इश्यूड कैपिटल है, एक पेडअप कैपिटल है। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी बोलती है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो जो कंट्रोल्ड मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, वो इसकी साख के अकॉर्डिंग कि आपकी इतनी वैल्यूएशन है मार्केट में तो आप इतने पैसे लोगों से ले सकते हो, कि मतलब ऑथोराइज्ड, आपको इतनी ऑथोरिटी है लेने की। तो ये 1 लाख की बोलती है, बट इसको रेगुलेटर बोलता है, रेगुलेटरी बोलती है कि आप ओनली 50,000 रुपये, आपको चाहिए 1 लाख, बट आपकी वैल्यूएशन मार्केट में इतनी है कि आप 50,000 रुपये लोगों से मांग सकते हो। तो ये हो गई वो अधिकतम कैपिटल जो कंपनी लोगों से मांग सकती है। कौन सी कैपिटल हो जाएगी? ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद आती है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल मतलब ये तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई, 50,000 उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई फ्रेंड्स। तो इश्यूड कैपिटल क्या होता है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल से लेस, 50,000 से जितनी भी कम रकम अगर वो मांगना चाहती है तो वो उसकी हो जाएगी इश्यूड कैपिटल। मान लो 50,000 की उसकी लिमिट हो गई कि 50,000 से ऊपर आप नहीं मांग सकते क्योंकि आपकी वैल्यूएशन मार्केट में इतनी है। तो इससे इश्यूड कैपिटल 51,000 नहीं हो सकती या मोर देन 50,000 नहीं हो सकती, 50,000 से कम ही आप मांग सकते हो मार्केट में। तो लेस देन 50,000 आपका क्या हो जाएगा? इश्यूड कैपिटल। उसके बाद आता है पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पेडअप कैपिटल यानी होता है कि लोग आपको कितना दे रहे हैं, आपने इतने मांगे, आपकी इतनी लिमिट है, बट लोग आपको कितना दे रहे हैं वो होता है पेडअप कैपिटल। मान लो आपने मांगे 40,000 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स, आपने मांगे 40,000 रुपीज़, बट आपको मिल रहे हैं मार्केट से 10,000 रुपीज़। कितने मिल रहे हैं? 10,000 रुपीज़। तो ये आपकी हो गई पेडअप कैपिटल। ये क्या हो गया आपकी? पेडअप कैपिटल। अब फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है शेयर्स। ये आपको मैंने बता दिया कि शेयर्स क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल होते हैं। तो शेयर्स, शेयर्स के कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस में ओनरशिप राइट होता है, किस में नहीं होता है, यह मैं आपको बताऊंगा। तो शेयर्स जनरली शेयर्स क्या होते हैं? अंश। कितने टाइप के होते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को हिंदी में बोलते हैं समता अंश, प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। क्षमता अंश का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इन ये क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं फ्रेंड्स, कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो ये जो ओनर्स होते हैं, सिंपल सी बात है, जो ओनर्स होगा वही उसके पास ही क्या होगा? ओनरशिप राइट होगा। तो इनके पास ही ओनरशिप राइट होता है। ओनरशिप राइट किसके पास होता है? कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ओनरशिप राइट होता है। ओनरशिप राइट मतलब फ्रेंड्स मालिकाना हक।
उसके बाद होता है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंशधारियों जो होते हैं वो कंपनी के ओनली मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ओनली मेंबर्स। फ्रेंड्स जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास ओनरशिप राइट नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, इनको लाभ का डिवाइड कैसे होता है, प्रॉफिट का डिवाइड कैसे होता है, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको सबसे लास्ट में प्रॉफिट मिलता है। और फ्रेंड्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब समता अंशधारियों से पहले लाभ के हकदार होते हैं। होते तो मेंबर है कहने को तो, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो इनमें भी डिवाइड होता है क्योंकि ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।